फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवनिधि प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। पिछले कुछ हफ्तों में आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमने काफी 3 BHK के ऑप्शंस थाने मुलुंड में कवर किए हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास काफी कॉल्स आ रहे थे, काफी इंक्वायरीज आ रही थी, जहाँ पे 2 BHK देख रहे हैं काफी क्लाइंट्स, और उनको 2 BHK कोई छोटा कार्पेट नहीं चाहिए, कार्पेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उनको 700 प्लस यूजेबल कार्पेट की रिक्वायरमेंट है। इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट कवर कर रहे हैं जहां पे आपको लोकेशन तो बढ़िया मिलता ही है, प्लस आपको कारपेट साइज भी 700 प्लस हम देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोजेक्ट की है कि पजेशन भी आपको एक साल में ही मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 80% काम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हो चुका है उसका। तो हमारा ये जो बिल्डिंग है उसका एलिवेशन का वीडियो आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि ऑलमोस्ट 80-85% काम इस पर्टिकुलर टावर का ऑलरेडी हो चुका है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन प्राइम लोकेशन है थाने घोड़बंदर रोड का। यहां से आपको न्यू होराइजन स्कूल 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है, प्रताप सरनायक स्कूल 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है, और ऐसे काफी स्कूल्स इस विसिनिटी में ऑलरेडी है जहां पे आप 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे तो बस डेपो जो है, ट्रैवलिंग काफी इजी है, कम्यूटेशन काफी इजी है इस लोकेशन से, क्योंकि जो थाने घोड़बंदर रोड का बस डेपो है यहाँ से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बैंक्स, ATMs, मार्केट, ये सारी चीजें आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी। आप जब भी ये प्रोजेक्ट देखने आओगे तो ये सारी चीजें हम आपको एक्चुअल में दिखाने वाले हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट में मैं आपको देने वाला हूँ 670 square feet का रेरा कारपेट का 2 BHK नियरिंग पोजीशन में। इसका अगर यूजेबल कारपेट आप मुझसे पूछोगे तो 700 प्लस में जाने वाला है। ये जो लोकेशन है आनंद नगर, यहाँ पे आपको 2 BHK 700 के आसपास का कारपेट नए प्रोजेक्ट में मिलना काफी मुश्किल है, वो भी नियरिंग पोजीशन में। तो दोस्तों, आनंद नगर लोकेशन घोड़बंदर रोड में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको नियरिंग पोजीशन में बड़ा कारपेट मिलने वाला है। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन में आप देखोगे तो सारे आपको जो प्राइसिंग है वो जाने वाला है 140-150 CR के ऊपर का प्राइसिंग जाता है, बट यहां पे प्राइसिंग भी काफी अच्छा प्राइसिंग हम ऑफर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम कवर करने वाले हैं सैंपल फ्लैट। ये सैंपल फ्लैट एक एक्चुअल फ्लैट में ही बनाया गया है, ये कोई मेकशिफ्ट सैंपल फ्लैट नहीं है। तो जितना एरिया आपको इस वीडियो में दिखने वाला है वो एग्जैक्टली आपको मिलने वाला है, और इसका जो प्राइसिंग है वो वीडियो के एंड में मैं रिवील करूंगा। तो आइए चेक करते हैं 670 square feet रेरा कारपेट। ये आप जैसे देख रहे हो ये डोर है, आप जैसे ही एंटर करते हो डोर से डायरेक्टली आपका लिविंग एरिया शुरू हो जाता है, और ये एल शेप में लिविंग एरिया मिलता है। ये आपका लिविंग सेक्शन हो जाता है, सिटिंग एरिया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आप रख सकते हो। तो ये जो स्पेस है काफी डिसेंट स्पेस मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको फ्रेंच विंडोज मिलने वाला है और ऐसा ग्रिल आपको लगा के मिलेगा। फ्यूचर में OC के बाद आप इस ग्रिल को आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो एरिया आपको बाहर दिख रहा है इसको आप एज अ स्टैंडिंग बैल्कनी यूज कर सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आजकल के आप नए कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी जाते हो तो आपको जो विंडो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, नीचे का पार्ट आप मूव नहीं कर सकते, ऊपर का पार्ट आप मूव कर सकते हो उससे। अब अगर आपका जो विंडो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो आपको एक बालकनी का फील नहीं मिल पाता है, बट ऐसे फ्रेंच विंडो होने के कारण अगर आप खोलते हो और ग्रिल अगर आप आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं भी कर सकते हो तो आप इस तरह खड़े रह के बालकनी का एक फील ले सकते हो जो बाकी कंस्ट्रक्शन में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है इस पर्टिकुलर लेआउट का। अभी अगर लिविंग एरिया आप देखते हो तो लिविंग एरिया के इस तरफ आ जाता है आपका किचन और इस तरफ आ जाता है आपका डाइनिंग। तो दोस्तों, पहले हम कवर करते हैं इसका डाइनिंग एरिया। अब अगर आप डाइनिंग एरिया देखोगे तो जितना बड़ा आपको लिविंग स्पेस मिल रहा है उतना ही ऑलमोस्ट आपको एक डाइनिंग स्पेस भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक 8 सीटर डाइनिंग टेबल इजिली सेट कर सकते हो, और डाइनिंग एरिया के इस तरफ आ जाता है आपका बेडरूम। बट उसके पहले हम कवर करते हैं इसका किचन। किचन अगर आप देखोगे तो किचन आता है आपको सेमी मॉड्यूलर, यहाँ पे आपको जो किचन के कैबिनेट्स है नीचे के कैबिनेट्स वो बना के मिलने वाले हैं, सेमी मॉड्यूलर किचन मिलेगा। किचन का साइज काफी अच्छा है, स्पेशियस किचन है, 3 से 4 लोग इजीली खड़े रह के एक साथ काम कर सकते हैं। प्लस आपको ये एक एडिशनल स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो और अपने कपड़े सुखा सकते हो।
यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट आपको वॉशिंग मशीन का बना के मिलने वाला है। तो दोस्तों लिविंग एरिया कवर कर लिया हमने, डाइनिंग सेक्शन कवर किया, किचन भी कवर कर लिया है। अभी हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स यहाँ पे काफी स्पेशियस आपको मिलेंगे। 10 बाई 11 का कॉमन बेडरूम और 10 बाई 13 का आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। तो आइए चेक करते हैं अपना कॉमन बेडरूम। अगर कॉमन बेडरूम आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया 10 बाई 11 का आपको कॉमन बेडरूम मिलता है, प्लस आपको कबर्ड स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप इस तरफ देखोगे तो आप यहाँ पे एक बड़े से बड़ा बेड रख सकते हो। उसके बाद भी आपको जो मूवेबल स्पेस है, काफी अच्छा मूवेबल स्पेस मिल जाता है। और इस बेडरूम में भी आपको एक फुल फ्रेंच विंडो मिलने वाला है, प्लस ग्रिल लगा के मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एक छज्जा मिलता है। फ्यूचर में आप ग्रिल अगर आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो तो इसको भी आप बालकनी की तरह यूज कर सकते हो। तो ये जो बालकनी, एडिशनल बालकनी आप कन्वर्ट करोगे ओसी के बाद, उसकी वजह से आपका जो यूजेबल स्पेस है वो ज्यादा मिलने वाला है आपको और बढ़ जाएगा। तो अभी चेक करते हैं हम अपना कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का अगर आप साइज देखोगे तो काफी अच्छे साइज का कॉमन वॉशरूम आपको मिलता है। यहाँ पे आपको अपना शावर स्पेस, ये आपका डब्ल्यूसी का एरिया हो गया, और यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगा के मिलेगा। तो इसका आप साइज देखोगे तो डिसेंट साइज का वॉशरूम आपको मिल रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं मास्टर बेडरूम, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। मास्टर बेडरूम का जो कारपेट आपको मिलने वाला है 10 बाई 13 का, मतलब ऑलमोस्ट 130 स्क्वायर फीट का आपको ये मास्टर बेडरूम मिलता है। अगर आप देखोगे तो ये काफी स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे बड़ा एक बेड प्लेस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो कितना स्पेस, ये स्पेस आपको कंप्लीटली मूवेबल स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और इस तरफ भी मिल रहा है। तो बेड के दोनों साइड आप एक टेबल भी प्लेस कर सकते हो और उसके बाद भी आपको काफी स्पेस यहाँ पे मूव अराउंड करने के लिए मिलने वाला है। प्लस इसमें जो कबर्ड स्पेस है वो एडिशनल है, तो 130 स्क्वायर फीट का आपको सिर्फ कारपेट मिल रहा है, प्लस ये कबर्ड स्पेस एडिशनल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप इजीली 3 डोर या 4 डोर अपना वार्डरोब बना सकते हो। और ये बेडरूम के साथ भी आपको फुल फ्रेंच विंडोज मिलने वाला है और बाहर इस तरह का ग्रिल लगा के मिलेगा। यहाँ पे भी आप ओसी के बाद एक्सटेंड करके इसको एक स्टैंडिंग बालकनी की तरह यूज कर सकते हो। तो ये जो एडिशनल स्पेस है ये आपको काफी बेनिफिट करेगा फ्यूचर में। और यहाँ पे आ जाता है आपका मास्टर वॉशरूम। इस मास्टर वॉशरूम का साइज काफी अच्छा है। यहाँ पे आपका डब्ल्यूसी आ जाता है, शावर एरिया यहाँ पे सेपरेट दिया गया है, और ये आपका वॉश बेसिन आ जाता है यहाँ पे। Thank you.
दोस्तों कैसा लगा ये फ्लैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए। ये जो कारपेट है और अभी जो मैं प्राइस आपको बताने वाला हूँ, इस कारपेट के लिए ये प्राइस वर्थ है या नहीं, ये भी आप फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इसका जैसे मैंने बताया 670 का रेरा कारपेट है, आपका यूजेबल कारपेट आपको ऑलमोस्ट 730-750 के बीच में इसका जाने वाला है। और इसका जो प्राइसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइसिंग पे आते हैं, प्राइसिंग इसका जो हम देने वाले हैं 1,16,00,000 ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है विथ वन कार पार्किंग। लोकेशन काफी अच्छा है और प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर्टी का जो ऑलमोस्ट 85% काम भी हो चुका है। इसका रेरा पोजेशन 2027 का है, बट एक साल में ही आपको इसका पोजेशन मिलने वाला है। तो अगर ऐसी ही प्रॉपर्टी आप देख रहे हो जहां पे आपको बड़ा कारपेट भी चाहिए, लोकेशन ऑलरेडी डेवलप चाहिए और प्राइसिंग भी अच्छा चाहिए, तो आप ये प्रॉपर्टी एक बार विजिट जरूर कीजिए। ये सैंपल फ्लैट जैसे मैंने बताया एक्चुअल फ्लैट में ही बनाया गया है, कोई मेकशिफ्ट सैंपल फ्लैट नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी एक बार विजिट जरूर कीजिए अगर आप ऐसी ही प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।